अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खाई अच्छा होंगे। तो यहाँ पे आज हम निहारी बना रहे हैं बीफ की। तो मैंने जो है ऑयल के अंदर पहले गोश्त डाल के भून लिया था, उसके बाद फिर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के और उसके बाद जो है दोबारा मैंने भून लिया है, ठीक है। तो मैं अब इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी, फिर भून के और उसके बाद जो है गोश्त गलाने के लिए मैं रख दूँगी, ठीक है। तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना है, फुल वॉच करना है, ताकि आपको पता चले कि मैं आगे क्या क्या जो है मसाले डालूँगी, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पे जो है मसाला, देखिए गोश्त जो है थोड़ा भुन गया है, अब इसमें तेज़ पत्ता डाल दिया है। उसके बाद जो है मैं हल्दी इसमें ऐड कर रही हूँ, ठीक है। और साथ ही जो है मैं इसके लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी, ठीक है। मैंने एक स्पून लिया है, थोड़ा सा मैं और ले रही हूँ, उसके मिर्चें जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं। और बहुत थोड़ा सा जो है धनिया पाउडर, ठीक है। और उसके बाद जो है हम इसके अंदर पानी डाल देंगे थोड़ा सा। मैं नमक ऐड करती हूँ अभी ना, फिर मैं इसके अंदर नमक डाल रही हूँ, ठीक है। अब इसको जो है हम भून लेंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए यहाँ पे जो है मसाला भुन रहा है। अब इसमें साथ ही जो है हम इसका शान का मसाला है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, वरना अगर आपको कोई और से डालना हो तो आप वो ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 2 से 2.5 चमचे जो है इसके डाल दूँ, ठीक है। और उसके बाद जो है इसको अगेन मैं इसको भून के और पानी डाल के इसको छोड़ दूँगी गलने के लिए, ठीक है। जब गल जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि आगे का प्रोसेस जो है वो क्या होगा। अच्छा देखिए, यहाँ पे हमारा गोश्त गल गया है और आप लोग देख सकते हैं कि इसका पानी जो है वो खुशक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सौंफ जो है वो यहाँ पर मैंने ग्राइंड करी है, ठीक है। और सौंफ और थोड़ी सी सौंठ है, ठीक है। तो बाकी के मसाले के अंदर भी ये सब चीज़ें ऐड होती है, तो चाहिए कि ध्यान से आप लोग डालिएगा। बाकी मैं जो यहाँ पे गरम मसाला, ये पिसा हुआ गरम मसाला है, ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और ठीक है, तो इसके बाद मैं इसको भून लूँगी और थोड़ी देर बाद मैं इसके अंदर आटा जो है वो डालूँगी, ठीक है। तो फिर मैं दिखाती हूँ कि किस तरह मैं इसको इसके अंदर आटा डालूँगी। अच्छा देखिए, यहाँ पे ना मैंने भून के और थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, बहुत ज़्यादा मैंने पानी नहीं डाला है, ठीक है। तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि मैंने यहाँ पे, ये मेरे पास लाल आटा है, आपके पास कोई भी आटा हो आपने पानी के अंदर घोल लेना है, बस इसका ख्याल रखना है कि लम्स ना हो, ठीक है। तो बस इसको थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे। और आँच को हमने जो है वो मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं करनी है। और उसके बाद साथ साथ जो है वो आपने चमचा भी चलाना है, अगर आप चमचा नहीं चलाएँगे तो ये एकदम से गाढ़ी हो जाएगी, ठीक है, और जो है फिर वो लम्स बन जाएंगे। तो इसलिए जो है आहिस्ता आहिस्ता करके डालना है आपने, जितनी आपको गाढ़ी रखनी है आप अपने हिसाब से जो है इसको गाढ़ा रखिएगा, ठीक है। तो ये हो जाती है, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा देखिए, यहाँ पे जो है ये मैंने आटा डाल के पानी वगैरह डाल दिया, ये देख सकते हैं इतनी मैंने पतली रखी है। आप लोग अपने हिसाब से गाढ़ी या पतली अपने हिसाब से रख सकते हैं, क्योंकि अभी ठंडी होगी तो मेरे हिसाब से इतनी इनफ है, ठीक है। उसके बाद जो है आपने जो है आटा अगर चाहें तो भून के डाल सकते हैं, वरना अगर ऐसे ही अगर आप डालें तो इस तरह से भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जब इसका भगार होगा, ठीक है, तो आप सिंपली जो है वो प्याज को कट करके बारीक उसमें स्लाइस में, और उसके बाद जो है इसमें ऑयल या घी में जो है आपने ब्राउन कर लेना है। तो मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने अपना जो भगार किया है वो कैसे किया, ठीक है। अच्छा तो देखिए, यहाँ पे जो है ये मैंने दम पे रख दी थी, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि पक रही है, अभी रेडी हो गई है। अब इसका जो भगार है मैं आपको दिखा देती हूँ, तो मैंने उसका भगार कर लिया है, आप लोग भी इस तरह से ही करिएगा, ठीक है। तो फिर मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने अब भगार कर लिया था, आपने स्लाइस में जो है वो अपनी काटी है प्याज, और उसके बाद ऑयल या घी के अंदर आपने इसको भगार कर देना है, मतलब कि लाइट गोल्डन सी करनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ ही करनी है, मेरी हल्की हल्की तेज़ हो गई, ठीक है। तो बस गोल्डन गोल्डन आपने उतार ली है। और बाकी ये देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी जो निहारी है वो रेडी हो गई है। तो ये देख सकते इसका फाइनल लुक, और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको जो है वो कैसी लगी मेरी रेसिपी, और आप लोग किस तरीके से बनाते हैं वो भी मुझे बताइएगा, ठीक है। तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें, और मुझे कमेंट्स करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।